वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। गार्डन स्नेक, बागीचे का सांप। ठीक, गार्डन का मतलब जैसा हम जानते हैं बागीचा, और स्नेक का मतलब सांप, बागीचे वाला सांप। ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंग्लिश की बुक हनीकॉम का ये चैप्टर नंबर 9 की पोएम है। इस चैप्टर की जो स्टोरी है बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर, उसकी वीडियो बना दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। यही एक पोएम बची थी हनीकॉम की बुक की, यानी क्लास 7 की हनीकॉम की बुक की सिर्फ यही पोएम बची थी, नहीं तो सारे चैप्टर्स की वीडियोस बना दी गई है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये पोएम जैसा इसका नाम है गार्डन स्नेक, ये सांप के ऊपर आधारित है, और इसमें बताया गया है कि सारे सांप खतरनाक नहीं होते हैं। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। Have you ever seen a snake? क्या आपने कभी कोई सांप देखा है? Fighting a mongoose, नेवले से लड़ते हुए, मंगूस का मतलब क्या है? नेवला। और या getting into a hole, या फिर बिल में जाते हुए। होल का मतलब क्या है? होल का मतलब होता है बिल या फिर छेद। बिल में जाते हुए, और या स्विमिंग इन द रिवर, या फिर नदी में तैरते हुए देखा। क्या कभी आपने किसी सांप को नेवले से लड़ते हुए, बिल में जाते हुए, या फिर नदी में तैरते हुए देखा है? एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, सभी, लगभग सभी। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग। एवरीवन का मतलब होता है सभी या फिर ऑल। बिलीव्स दैट, ऐसा मानते हैं कि स्नेक्स आर डेंजरस, कि सांप खतरनाक होते हैं। डेंजरस का मतलब क्या है? खतरनाक। सम आर, कुछ होते हैं, मोस्ट आर नॉट, ज्यादातर नहीं। कुछ सांप खतरनाक होते हैं, ज्यादातर सांप खतरनाक नहीं होते। मोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादातर। रीड दिस पोएम, इस कविता को पढ़िए। ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, बागीचे वाले नुकसान ना करने वाले सांप के बारे में। ठीक, हार्मलेस का मतलब क्या है? नुकसान ना करने वाला, नुकसान ना पहुंचाने वाला। गार्डन स्नेक का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक, चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है। आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे, सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से। आई सॉ स्नेक, मैंने एक सांप देखा। सॉ का मतलब क्या है? देखा। ठीक, ये सी का सेकेंड फॉर्म है। एंड रैन अवे, और भाग गया। मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस, कुछ सांप खतरनाक होते हैं। दे से, लोग कहते हैं। दे का मतलब यहाँ पर क्या है? लोग या फिर वे। लोग कहते हैं कि कुछ सांप खतरनाक होते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। बट लेकिन मदर सेज, लेकिन माता कहती हैं, दैट काइंड इज गुड, ये वाला अच्छा है। ठीक है, दैट काइंड का मतलब क्या है? ये वाला। काइंड का मतलब होता है प्रकार, या फिर हम जिसे कह सकते हैं वाला। ये वाला अच्छा है। एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स, ये कीड़े मकोड़े खाता है फॉर हिज फूड, अपने खाने के रूप में। अपने खाने के रूप में ये कीड़े मकोड़े खाता है। सो व्हेन ही रिगल्स इन द ग्रास, I'll stand aside and watch him pass. So, इसलिए when he wriggles in the grass, जब वो घास से निकलता हुआ जाएगा, रेंगता हुआ जाएगा। wriggle का मतलब क्या है? रेंगते हुए चलना या फिर रेंगना। जब वो घास में रेंगते हुए जाएगा, I'll stand aside, मैं किनारे खड़ा हो जाऊंगा। aside का मतलब क्या है? किनारे। एंड और वॉच हिम पास, और उसे जाते हुए देखूंगा। ठीक, पास का मतलब क्या है? गुजरते हुए, जाते हुए देखूंगा, यानी अब मैं उसे नहीं डरूंगा। एंड टेल माई सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट हार्मलेस गार्डन स्नेक। फिर वो कहता है, पोइट कहता है कि एंड आई टेल माई सेल्फ, और मैं अपने आप को समझाऊंगा, अपने आप को बताऊंगा, देयर इज नो मिस्टेक, कि इसे देखने में कोई गलती नहीं है, यानी अब मुझे डर नहीं लगेगा। इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, क्योंकि ये एक नुकसान न पहुंचाने वाला बागीचे वाला सांप है। ठीक, तो इस तरह से ये म्यूरियल एल सॉन की ये पोएम समाप्त होती है। ये बहुत अच्छी पोएम थी, जिसमें बताया गया था कि सारे सांप खतरनाक नहीं होते हैं,
जैसा हम जान लें कि 97% जो सांपों की प्रजाति होती है वो जहरीली नहीं होती है, वो नॉन वेनमस होती है, और तो सिर्फ 3% सांपों की जाति ऐसी होती है जो जहरीली होती है, जो वेनमस होते हैं यानी जहरीले होते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से हम इस बात को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपका ये हनीकॉम्ब की पूरी बुक समाप्त हो गई है। जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और जो दूसरी बुक है एन एलियन हैंड, उसकी भी सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।